सच बताऊँ तो पारो में दो दिन रहने के बाद फाइनली जाके मेरे को मौका मिला कि आप लोगों को बैल्कनी से व्यू दिखाओ। कुछ कंस्ट्रक्शन चालू है तो कुछ दिन बाद तो ये तो बन जाएगा, तो सामने का व्यू भी ब्लॉक हो जाएगा, पर बहुत दूर तक दिखता है। मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चला अबाउट भूटान। यहाँ पे हर जगह पे आपको ड्रुक DRUK ये शब्द बहुत बार दिखेगा। तो इन ज़ोंगखा इन देयर ऑफिशियल लैंग्वेज भूटान को बोला जाता है ड्रुक याल, इट मीन्स द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन्स। एंड यहाँ का लोगों को बोला जाता है ड्रुक पा, इट मीन्स ड्रैगन पीपल। एंड जो स्टेट का हेड होता है ना उसको बोला जाता है ड्रुक गैल्पो, इट मीन्स किंग ऑफ द ड्रैगन। सो आफ्टर यस्टरडेज टाइगर नेस्ट ट्रेक आज का प्लान बहुत सिंपल है। आज हम लोग जाने वाले हैं भाया चिलेला पास टू हा वैली। तो ऑन द वे हम लोग चिलेला पास पे रुकेंगे एंड इफ यू आर लकी एनफ देन वी कैन सी माउंट चोमलहड़ी, बिकॉज वेदर इज वेरी गुड, ब्राइट सनशाइन, परफेक्ट वेदर टू सी ऑल दो स्नो कैप माउंटेन्स। आप में से कितने लोगों को पता है कि जो पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भूटान का, दैट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द डेंजरस एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। डेंजरस इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लैंड एंड टेक ऑफ बिटवीन दिस वैलीज। आपको वीडियो में दिखेगा कि रनवे कितना छोटा है, वहां से स्टार्ट करते हुए रनवे वहां पे खत्म, एंड ये दोनों वैली के बीच में है, उसी के लिए इट्स वेरी टफ टू लैंड एंड टेक ऑफ। इन द एंटायर वर्ल्ड ओनली 8-12 पायलट्स आर सर्टिफाइड हियर फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग ट्रिविया। एंड यहाँ पे दो ही एयरलाइंस चलता है, एक है ड्रुक एयरलाइंस, अनदर वन इज रॉयल भूटान एयरलाइंस। अगर आप बाई रोड आ रहे हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा आपका वेस्ट बंगाल में बागडोगरा, वहाँ से बाई रोड आप पारो आओ। जो डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट होता है तो थाईलैंड नेपाल, नेपाल मीन्स काठमांडू, थाईलैंड काठमांडू ढाका, और इंडिया में से बॉम्बे दिल्ली कोलकाता, डायरेक्ट पारो फ्लाइट आपको मिल जाएगा। थोड़ा महंगा पड़ेगा वो अलग बात है, बट डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट होता है। और ऑन अराइवल अगर आप एयर से आ रहे हो तो डायरेक्टली आपको परमिट वगैरह मिल जाएगा इवन ऑन द वीकेंड्स। We are here at the Chilela Pass, that is the highest motorable point of Bhutan after Dochula Pass. The altitude is around like 3988 meter. And upar se bol raha hai ki aur bhi sahi view aayega pura valley ka. This Chilela Pass is like connecting between Ha Valley and Paro Valley. It is like it's just standing in the middle of this two valley. That is the Ha Valley. You will get a glimpse of Mount Chomalhari, that is Mount Chomalhari snow-capped mountains. It is considered as most sacred peak of Bhutan, known as goddess of the mountain. We were told jo Chilela Pass ka main viewpoint hai wo aur bhi aage jaake aap logo ko dikhega from the top. Both side prayer flags and on the left side Mount Chomalhari. Coming to Chilela Pass, it's best time to come from October to December, because ये time पे ना weather बहुत bright रहता है, sunshine बहुत ही रहता है, तो उसके वजह से पीछे जितना भी आपको Himalayan range का peaks है, including Mount Chomalhari, clearly visible है. So we have chosen the right time, I must say. Exactly, बहुत clear weather है. टेम्परेचर भी अच्छा है, उतना ठंडा नहीं है और चिली नहीं है, बट अगर आपको ऑल्टीट्यूड का प्रॉब्लम है तो थोड़ा केयरफुल रहिए, ज़्यादा देर मत रुके, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड काफ़ी हाई है। वैसे देखा जाए तो भूटान में जितना भी रोड्स था ना बहुत ही ज़्यादा आर्क और जिगजैग से भरा हुआ है, तो आपको अगर AMS का इशू है तो वो थोड़ा संभाल के रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है, बट वी आर फिट एनफ, आई थिंक वी आर हैंडलिंग इट लाइक क्वाइट गुड। We'll be right back.
I'm from Bhutan. Okay, so right now you got, all guys are having some tea break? It is not a type of tea break, but something like we came here for hosting a prayerflex for the dead people. Uh-huh, okay. And this is actually, we usually host a prayerflex. Never think that those prayerflex here are always for the good thing. We came here for some, to keep that person's life. It's a memory. Rest in a peace. Rest in peace. चलो फिर चलते हैं हावेली हम लोग. हावेली. Yes. It is only, I think. So we are about to enter Ha district, and that is the red one is the Ha fortress. So initially the fortress was on that side. Now it has been shifted to here, the red roof. वो जो नीचे ग्रीन कलर का जितना भी रूप्स आप लोगों को दिख रहा है ना, दैट इज फॉर लाइक फॉर द स्टे फॉर इंडियन आर्मी. इट्स वेरी क्लोज टू चाइना बॉर्डर, दैट्स व्हाई इंडियन आर्मी एंड भूटान आर्मी कंबाइन मिलके ये जगह को गार्ड करते हैं. लाइक भूटान में ऑलमोस्ट 5 दिन रहने के बाद फाइनली जाके थोड़ा बहुत ओवरकास्ट वेदर मिला. ठीक है, इतना दिन से इतना हार्ड सनलाइट था ना कि बहुत मुश्किल हो रहा था. So we are here at the main Ha town. This is the parking area where we have parked our car. We'll just take a walk around this Ha valley, beautiful Ha valley. So what to wait for? Let's explore this beautiful Ha valley with us. Chalo. So in Bhutan, that's how a typical stationery store looks like. बाहर का आर्किटेक्चर देखो कितना सुंदर है. ले क्या लिया? लेज. Kurkure. Just tell me, so Ha is a district, right? Yes, yes. So here also Zong is there, like Paro, Thimphu, Zong. Yes, yes, yes. Ha mein bhi ek proper Zong hai. And bolte bolte slightly it's drizzling. Thoda cloudy hai aaj. And right now we are going to the suspension bridge of Ha town. Just in front of the Ha suspension bridge, there is a mountain structure. Outer shape looks like a frontal view of a horse. This one is the eye, and just visualize, it's the shape of a horse. So in front of that horse shaped mountain, that's a government school over there. This is a Choten, familiar one. एक सस्पेंशन ब्रिज है, बट दिस इज नॉट सो लॉन्ग. दिस इज हाचू रिवर. चू मीन्स रिवर. चलते हुए वी आर जस्ट वॉकिंग साइड बाई साइड ऑफ हाचू रिवर. लेट मी शो यू द क्लोज व्यू ऑफ दिस हाचू रिवर. अर्णव आगे जाने का जगह है क्या? जा सकते हैं ना. आई एम हियर ऑन द बैंक्स ऑफ हाचू रिवर. पानी तो थोड़ा कम लग रहा है. ओ देखो वहां तक चले गए. वो इधर अगर थोड़ा बहुत ओवरकास्ट रहता तो और भी मजा ले सकते थे. आई डोंट नो व्हाई बट इन नवंबर इट इज टू हॉट.
आपको वीडियो में समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, बट यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रहा है। आप अगर भूटान में आए हो और भूटानीज फूड कल्चर को सामने से विटनेस करना चाहते हो, तो माय सजेशन विल बी एक दिन आप ये लोकल पहाड़ों में जो फार्म हाउस है वहाँ पे लंच ज़रूर करो। राइट नाउ अराउंड 3:30, लंच के लिए परफेक्ट टाइम नहीं है, बट हम लोगों को ये करना था। तो यहाँ का एक खासियत है कि सब कुछ जो है ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल्स है। देखते हैं कैसे होता है खाना और आप लोगों को मैं रिव्यू भी दूंगा उसका। चलो, पारो पेनलॉफ डावा हेरिटेज फार्म हाउस। पारो के एकदम मेन टाउन के बहुत नज़दीकी है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। दिस रिच राइस दे विल ड्राई हियर फॉर अ मंथ इन द सनी। सो भूटान में रेड राइस इज क्वाइट फेमस, राइट? या एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी न्यूट्रिशियस वन। दिस इज द प्लेस वेयर वी विल हैव आवर लंच। दो लोगों के लिए बैठने के लिए जगह है। पहले चाय दिया गया है हम लोगों को। दिस इज द कंप्लीट सेटअप। लेट मी शो यू द रेड राइस पॉट। तो दो लोगों के लिए यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है रेड राइस। भूटान के फूड कल्चर में रेड राइस इज लाइक क्वाइट यूनिक थिंग। राइस मैश। सो विद चाय? यस सर। लाइक बिस्किट? यस सर। दिस इज पम्पकिन सूप। दिस इज केवा दाची। केवा इन जोंखा मीन्स आलू। And this is the authentic Ema Dasi. ये पूरा मिर्ची से बना होता है। भूटान में ये बहुत ही फेमस है ये राइस के साथ खाने के लिए। देख के तो लग रहा है बहुत तीखा होने वाला है। एक और वेजिटेबल। एंड दिस इज अवर चिकन फॉर टू पीपल। चिकन कड़ी। लास्ट दो तीन दिन में हम लोग भूटान का बहुत सारा रेस्टोरेंट घूमे, बट वहाँ पे जितना भी ये सब खाना था, Ema Dasi, Kewa Dasi, like I will say that was not so authentic. उसी के लिए मैं बोला रेस्टोरेंट में जो भी मिलता है that was fine, but यहाँ पे आके जो उसका अलग एक experience है, वो उसका अलग एक vibes है, उसको आप enjoy करो, क्योंकि वो ना किए हो तो आपका भूटान ट्रिप होगा incomplete. So मैंने यहाँ पे प्लेट पे सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके डाल लिया है। यहाँ का जो सबसे फेमस है Ema Dasi चिली चीज़, वो ट्राई करता हूँ राइस के साथ। मैं वैसे घर पे ब्राउन राइस खाता हूँ, तो मुझे वैसा ही कुछ दिख रहा है, बट इसका दाना थोड़ा सा मोटा है, बट बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं है, बट ये स्पाइसी है, थोड़ा बहुत स्पाइसी है तो, बट अच्छा है, बहुत टेस्ट में बहुत अच्छा है। और चीज़ भी है, चीज़ का तो मुझे उतना टेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि जो चिली का फ्लेवर है वो ज़्यादा ओवरपावर कर रहा है। हाँ, मेन चीज़ जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है वो है ये पम्पकिन सूप। इंस्टेड ऑफ दाल तो पम्पकिन सूप प्रेफर करते हैं। बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक वेजिटेबल सलाद भी दिया हुआ है, ये भी ट्राई करता हूँ। यू शुड ईट योर वेजिटेबल्स। ये आलू का सब्जी तो बहुत बढ़िया है। मैं इतना मिर्ची खाता नहीं हूँ, बट ये मैं ज़रूर टेस्ट करूँगा। देखते हैं कितना तीखा बना है। इट्स गुड। इतना भी तीखा नहीं है, मुझे लगा था थोड़ा ज़रा तीखा होगा, बट इतना भी नहीं है, ठीक ठाक लग रहा है। ये परफेक्ट रिप्लेसमेंट है अचार का। दिस वन
ऑनियन सूप का टेस्ट आएगा, पंपकिन सूप का। तो ये खत्म करने के बाद वी विल हैव दिस चिकन, लुक्स डिलीशियस। तो ये भी खत्म करने के बाद मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगा। अर्नब, सो फार सो गुड, राइट? या, इट्स सिंपल फूड बट ऑथेंटिक क्विजीन, मुझे ऐसा ही चाहिए था। यू शुड ऑलवेज ट्राई लोकल क्विजीन, आपको अलग पैलेट आपका आएगा, आपका टेस्ट बड्स ग्रो होगा, तो आपको ट्राई करना चाहिए। एंड यहाँ का लोग इसको ऑर्गेनिकली क्यों बोलते हैं, लाइक भूटान इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फूड्स, सो कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड ये सब यूज नहीं होता है जब ये सब खेत में ये लोग उगाते हैं। दैट इज क्वाइट अ यूनिक थिंग, सो यू शुड ट्राई दिस once in a lifetime whenever you are coming to Bhutan. Visiting the hot stone bathhouse made of wood. Yeah. Okay. Then it's a cold water. Cold water. Yes. And you have to burn stone for 3 to 4 hours. 3 to 4 hours? Yeah. Like it will be heating here only. Heating, yeah, it's heating. Yeah. And after that, if it is heat, then you put here to make water warm. If anyone takes this bath, so what are the advantages? So some got back pain, body pain. No. It will get relieved. Yeah. Okay. So it takes 3-4 hours to get heated. Here they have a separate shower facility, changing room facility, everything they have. These are the tubs. And these are the bathtubs that I was talking about. Hot stone bathtubs. Yeah. Made of complete wood. Yes. This is cold water. We have cold water. Cold water. Okay. Yeah. So how will you like supply the hot water here? So I'll put heated stone here, this side. And okay. This, yeah, by this stone. And you give it. It will give water warm. Got it. If you want to try this experience here, as they mentioned, you can directly come and have this unique experience of hot bath. I bet it will be definitely unique one. Okay, Naspati, dekho bhai, Naspati. Abhi yahan se tod ke hum logo ko diya gaya ye. This is persimmon. This is persimmon. Yes. Dikhne mein santre ki tarah lagega, orange ki tarah, but this is not orange. This is persimmon. Yeah. Ye meetha hota hai kya? Ah, very sweet. Yeah. एकदम फ्रेश। Also try some prismon fruit. निकाल प्लग कर रहे हैं। उसके बाद टेस्ट करके बता दे कैसा है। वो वाला नाइफ होगा, राइट? हाँ, जस्ट बिट। नॉट श्योर, ओके। फाइन, या। दिस इज अ वेरी राइप वन। दिस इज वेरी राइप। लोकल नाम क्या है? अंडे। अंडे। ओह यार अंडे। हाँ। अंडे हैव इट? या या आई विल। मीठा है ना बहुत? मीठा है क्या? मैंगो, दिस लाइक मैंगो यू कैन ईट। पहाड़ी छिलका खाना होता है क्या? खा सकते छिलका। ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। प्रिज्मन राइट? प्रिज्मन फ्रूट एंड द लोकल नेम इज अंडे। अंडे अंडे। ओके, लेट्स हैव इट। लेट्स हैव दिस वन। इसका जूस तो भी बनता है ना? जूस, मिल्क शेक। ठीक है। पीसीमोन। Yeah, Prisimon. Recently, I was going through an interview of Virat Kohli, where he has clearly mentioned the best ever vegan food experience he had was at Bhutan. And now I know why he has said so. Bhai, jo experience tha na, trust me, it was next level. Matlab, itna achha khana, matlab, ekdam simple tarike se banaya hai, but bahut hi tasty tha. Ye bol ke main bayan nahi kar sakta, aap logo ko aake isko experience karna padega. And they have given all the details in this card where they have mentioned that you can book this via Facebook, Instagram or there is a official website also. हम लोग तो यहाँ पे नहीं रुके, but ये खाना experience करने के लिए हम लोग यहीं पे आए थे. And I must say that was worth enough. 10 out of 10 from my point of view. Thank you, भाई. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. पारो मार्केट पे थोड़ा देर शॉपिंग करने के बाद we just stopped in front of the पारो जोंग. लाइट ऑन हुआ है और आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये पारो जोंग। Someone has really said right that the world has few secrets left and Bhutan is one of them.
Isolated from the outside for 3 centuries, the forbidden kingdom in the Himalayas provides the setting for a bewitching adventure and beautiful terrains. It's very hard to rank Thimphu, Paro and Punakha in terms of scenic landscape, and trust me guys, it's literally impossible. Hope you guys have really enjoyed the entire Bhutan series as we are approaching to the last episode of this tour. Stay tuned to my channel The Bong Wayfarer for the last part of the Bhutan Diaries. Feel free to DM me your queries on Instagram as IamRoy92. Till then, goodbye, take care, see you soon. Love you all.